हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, आज हम करेंगे 8th क्लास हमारा राजस्थान, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक आपके स्कूल में लगी है राजस्थान में, तो वहाँ पर अलग से हमारा राजस्थान बुक भी चल रही है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो चैप्टर कर चुके थे 8th क्लास के सभी, उसके बाद हमने एक एक करके सभी के क्वेश्चन आंसर किए हैं, और जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं भी पढ़े थे तो क्वेश्चन आंसर से उनका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल अंतिम चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10 8th क्लास का, राजस्थान में कला एवं संस्कृति, तो इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है राजस्थान में कला एवं संस्कृति के, तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो राजस्थान में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो 1354 ईस्वी में राव बर सिंह ने बूंदी दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इस दुर्ग के चारों तरफ जो है बहुत ही मजबूत जो है परकोटा बना हुआ है। अगला देखें, बूंदी दुर्ग का निर्माण जो है वो कहाँ करवाया गया? तो बूंदी दुर्ग नाम से ही पता लग रहा है कि बूंदी शहर में करवाया गया। उत्तरी छोर की जो पहाड़ी है उस पर बूंदी दुर्ग का निर्माण करवाया गया। बूंदी दुर्ग में कौन कौन से महल हैं? तो इस दुर्ग में कौन कौन से महल हैं? छत्रसाल महल है, यंत्रशाला है, बादल महल है और अनिरुद्ध महल है। देखिए, बादल महल तो आपको सभी दुर्गों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर छत्रसाल महल, यंत्रशाला महल, बादल महल और अनिरुद्ध महल है। ठीक है, और इन महलों पर जो है वो बहुत सारे दीवारों पर चित्र जो है वह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लोहागढ़ कहाँ है? लोहागढ़ कहाँ है? तो लोहागढ़ जो कि कहाँ है, भरतपुर में है। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है वो मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है, तो इसीलिए लोहागढ़ को हम मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। अब इस दुर्ग को कोई नहीं जीत पाया था, इसी वजह से इस दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। तो लोहागढ़ दुर्ग, मिट्टी का दुर्ग, अजय दुर्ग लोहागढ़ को कहा जाता है। लोहागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो इस दुर्ग का जो निर्माण है, इसका निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया था। कौन से दुर्ग के चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर है? तो ऑप्शन में यदि एग्जाम में आ जाए लोहागढ़, रणथंबोर, जालौर, बूंदी या चित्तौड़गढ़, तो आप क्या लिखेंगे वहां पर? लोहागढ़। ठीक है, इसे मिट्टी का दुर्ग भी इसीलिए कहते हैं। रणथंबोर दुर्ग कहाँ है? रणथंबोर दुर्ग कहाँ है, जो कि बहुत अधिक ऊंचाई पर बना हुआ है? तो ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंबोर में रणथंबोर दुर्ग बना हुआ है। रणथंबोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? रणथंबोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया था। रणथंबोर दुर्ग में ऐतिहासिक स्थान कौन सा है? यहाँ पर जो ऐतिहासिक स्थान, यानी यहाँ पर कौन कौन से महल हैं, कौन सी प्रसिद्ध चीजें हैं? तो यहाँ नौलखा दरवाजा है, हमीर महल है, 32 खंभों की छतरी है, तो राणा हमीर जिन्होंने अपने पिता जो हैं जैत्र सिंह, उनके 32 वर्ष के शासनकाल की वजह से यहाँ 32 खंभों की छतरी बनवाई उनकी याद में। तो वह कहाँ है? रणथंबोर दुर्ग में है। त्रिनेत्र गणेश का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह कहाँ पर है? रणथंबोर दुर्ग में है। जालौर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? जालौर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में आते हुए भी गलत कर देते हैं। उसका रीजन एक ही रहता है कि हम लोग इन्हें बार बार नहीं पढ़ते हैं। तो जालौर दुर्ग जो है वह किस पहाड़ी पर है? सोनगिरी पहाड़ी पर है। जालौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जालौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सोनगिरी पहाड़ी पर है, और सोनगरा चौहानों के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था, जिसमें 10वीं शताब्दी में परमार राजा धारावर्ष और मुंज ने जालौर दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किस पहाड़ी पर निर्मित है? चित्तौड़गढ़ किस पहाड़ी पर है? तो यह चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, 7वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था,
जब मध्यमिका नगरी का पतन हो गया था तो उसके बाद चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया गया। तो हमने देखा कि रणथंबोर जो कि बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, जालौर दुर्ग जो है वह सोनगिरी पहाड़ी पर बना है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वह किस पहाड़ी पर है, चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन 13, चित्तौड़गढ़ में कितने प्रवेश द्वार हैं? जो चित्तौड़गढ़ है दुर्ग जो है उसमें कितने प्रवेश द्वार हैं? तो यहाँ पहाड़ी शब्द नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो है वो 7 प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अब तक आपको ये सारी चीज़ें वो जो है याद हो गई होंगी, हम लोगों ने कई बार ये चीज़ें पढ़ ली हैं कि राणा कुंभा के द्वारा जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, विजय स्तंभ जिसे हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, ये कहाँ निर्मित है? अब कई बच्चे जो हैं, जो जैन कीर्ति स्तंभ है वह अलग है, तो इसको यहाँ नहीं मिलाना है। विजय स्तंभ जिसे कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, ठीक है, और जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। तो ये कहाँ निर्मित है? चित्तौड़गढ़ में निर्मित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है जो चित्तौड़गढ़ में है? 122 फीट इसकी ऊंचाई है, 47 फीट वर्गाकार और 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर यह निर्मित है। ठीक है, विजय स्तंभ कितना मंजिला है? अब एग्जाम में आ जाए तो हम बिल्कुल ध्यान में नहीं आएगा कि विजय स्तंभ जो है वो कितना मंजिला है, तो यह 9 मंजिला स्मारक है। विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, इस कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, इस कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 19 है, कुंभलगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि बहुत सारी छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है, जंगल जो है वो इसके चारों तरफ इतना है कि ये अगर यदि हम इसे देखना चाहें अचानक से तो ये नहीं दिखेगा, तो ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित दुर्ग भी कहलाता है। ठीक है, तो इसे कुंभल मेर के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए हमने पढ़ा है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। ठीक है, श्यामल दास का वीर विनोद ये कहता है। तो यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया 1458 में। कुंभलगढ़ का निर्माण किसके नेतृत्व में करवाया गया? तो यहाँ पर कुंभलगढ़ का निर्माण जो है, जो कि प्रसिद्ध शिल्पी रहे हैं मंडन, इनके नेतृत्व में करवाया गया। ठीक है, कुंभलगढ़ में कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से स्मारक हैं? तो यहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है, यज्ञ वेदी के साथ जैन मंदिर है, झाली बाव बावड़ी, मामादेव महादेव का कुंड, कुंभ स्वामी का विष्णु मंदिर, रायमल के बेटे पृथ्वीराज का स्मारक है। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग क्या कहलाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग जो है वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कटारगढ़, और इसी कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो आमेर दुर्ग का निर्माण महाराजा मान सिंह के समय हुआ था। ठीक है, आमेर दुर्ग की स्थापत्य कला में किन शैली का सुंदर समन्वय झलकता है? आमेर दुर्ग की स्थापत्य कला में किन शैली का सुंदर समन्वय झलकता है? तो देखिए जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जहां देखते हैं कि मान सिंह के समय जो है वो मुगल जो हैं यहां पर आते हैं, मान सिंह के संबंध मुगलों से रहते हैं, तो यहां हिंदू और मुगल शैली इन दोनों का ही समन्वय यहाँ देखने को मिलता है। गागरोन का जल दुर्ग कहाँ है? तो एक क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा दुर्ग है, ये जल दुर्ग है गागरोन, और यह जो दुर्ग है वह झालावाड़ जिले में है। गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर निर्मित है? गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर निर्मित है? तो यह दो नदियां काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है।
जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग किस पत्थर का बना हुआ है? या हम बिल्कुल सिंपल से ये बोलें कि जैसलमेर का सोनारगढ़ किस पत्थर का बना है, ठीक है? तो यह पीले बलुआ पत्थर का बना है, और इसी से नाम पता लग रहा है, पीला पत्थर, जब सनलाइट जो है वो इस पर पड़ती है, इस दुर्ग पर, सोने की तरह ये चमकता है, तो इसीलिए इसका नाम सोनारगढ़ रखा गया। द गोल्डन फोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जैसलमेर का सोनारगढ़ ही है जिसे जाना जाता है द गोल्डन फोर्ट, ठीक है? इसके अलावा बीकानेर में जूनागढ़ जो है वह भी है, जो कि रेगिस्तानी भूमि में बनने वाला दुर्गों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह दुर्ग माना जाता है। तो बूंदी दुर्ग हमने देखा बूंदी में है, लोहागढ़ दुर्ग देखा हमने भरतपुर में है, रणथंबोर रणथंबोर में ही है, ठीक है? रणथंबोर दुर्ग जो है वो कहाँ है? रणथंबोर में। जालौर दुर्ग जो है वह जालौर में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वह कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग वो कहाँ है? तो यह कुंभलगढ़ में है, ठीक है? तो नाम से ही ये सारे दुर्ग याद हो गए होंगे। आमेर दुर्ग जो है वह आमेर में है, गागरौन दुर्ग जो है वह झालावाड़ में है, वहीं पर जूनागढ़ बीकानेर में है, और मेहरानगढ़ जोधपुर में है, ठीक है? और सोनारगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। तो चलिए आज हम यहीं तक करेंगे, और नेक्स्ट जो है वीडियो में हम इसी चैप्टर के करेंगे मंदिरों के बारे में, जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से निकलेंगे, और जो हवेलियां हैं, छतरियां हैं, उनके बारे में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि राजस्थान में कला और संस्कृति, ये टॉपिक सभी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।